सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्री गुरु और शनि के भारत पर प्रभावों की। पिछले लगभग 2 वर्षों से ग्रहों की जो व्यवस्था चल रही है, ऐसी व्यवस्था, ऐसा संयोजन बहुत कम देखने को आया है। मेरी अब तक की उम्र में जैसा मुझे याद है कि 1990 से 1992 तक का ऐसा प्रभाव देखा गया था, लेकिन तब भी वह ग्रहों की व्यवस्था आज की तुलना में बहुत कम क्रिटिकल थी। ये जो वक्त गुजरा है पिछले 2 वर्षों का, ऐसा एक लंबे कालखंड के बाद बनता है। शनि जब भी मकर में आए हैं, उपद्रव हुआ, उस पर राहु केतु भी गुरु शनि से कनेक्शन बनाए रहे, और अब वर्तमान में ठीक इस वक्त गुरु और शनि दोनों ही वक्री चल रहे हैं। दोनों की युति है मकर राशि में। गुरु अभी 14 सितंबर से मकर में लौट आए हैं। गुरु शनि की युति बड़े प्रभाव उत्पन्न करती है। 20 नवंबर तक दोनों ही मकर में रहेंगे। 13 अक्टूबर को शनि तो 18 अक्टूबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे, और तब ही थोड़ी सी राहत मिलेगी। मित्रों, ये वह दौर है जब पूरी दुनिया परेशान है। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो हम भारतवासी उतने परेशान नहीं हैं जितने अन्य देश के लोग। ये प्रभु की कृपा और हमारे देश के अच्छे नेतृत्व का ही असर है। प्राकृतिक उपद्रव खूब हुए, राजनैतिक व आर्थिक उतार चढ़ाव भी खूब जबरदस्त रहे। बहुत सारी समस्याएं एक साथ चली और अभी भी काफ़ी हद तक चल रही है। मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से देश दुनिया की स्थिति का अच्छे से आकलन किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। भारत की कुंडली के हिसाब से, खासकर ग्रहों की व्यवस्था में इन दिनों जो वक्री गुरु और वक्री शनि का प्रभाव है, उसे संक्षेप में जानेंगे। देखिए, शनि गुरु दोनों ही बड़े ग्रह हैं और व्यापक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वक्री होकर तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दोनों ही इस वक्त मकर राशि में हैं। जब भारत की कुंडली में इन दोनों ग्रहों को रख के देखते हैं तो ये दोनों ही नवम भाव में इस वक्त युति कर रहे हैं। भारत की कुंडली, जैसा आप सभी जानते हैं, वृष लग्न की है। वृष लग्न है तो राहु भी इस वक्त लग्न में है और केतु सप्तम भाव में। तो लग्न में बैठे राहु की दृष्टि में इस वक्त ये दोनों ही वक्री ग्रह गुरु और शनि हैं, यानी इन दोनों ही ग्रहों पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का ये जो कालखंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए विशेष महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि लग्न पंचम नवम के त्रिकोण में राहु गुरु और शनि विराजमान हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। देखिए, लग्नस्थ राहु भी उच्च के हैं, बहुत बलशाली हैं इस वक्त। इस वक्त तो मंगल और बुध भी देखें तो कन्या राशि में ही हैं। इस तरह से लग्न पंचम और नवम का जो ये त्रिकोण है, इस त्रिकोण में 5 ग्रहों की उपस्थिति है इस वक्त। कौन कौन से? राहु, मंगल, बुध, गुरु और शनि। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, यानी मंगल के नक्षत्र में। शनि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में है। गुरु का धनिष्ठा में होना बहुत खास है। हालांकि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ही प्रभावित करेगी, लेकिन हम इसे भारत की दृष्टि से देख रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के CM बदले गए। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी परिवर्तन की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले महीनों में ऐसी घटनाएं भी घटित होंगी जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। घटनाओं का स्वरूप तो बड़ा होगा ही, घात प्रतिघात बहुत तीव्र होगा।
दिखाई कुछ और पड़ेगा और घटित कुछ और ही होगा। घटनाएं आश्चर्यचकित तो करेंगी ही, साथ साथ बड़ी तेजी से घटित होंगी, अप्रत्याशित रूप से घटित होंगी। शासन प्रशासन में बृहद बदलाव होंगे, विरोध या विद्रोह की घटनाएं होंगी, हिंसा और प्राकृतिक दुर्घटनाएं, हालांकि अनेक शुभकारी घटनाएं भी होंगी, जैसे फसल उत्पादन अच्छा होगा, व्यापार बहुत बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, सरकार की आय बढ़ेगी, सरकार मजबूत होकर के उभरेगी। विरोधी तत्व, देश विरोधी तत्व और जो कानून विरोधी हैं, ये सारे तत्व परास्त होंगे। कोरोना की जहाँ तक बात करें तो 14 सितंबर के बाद कोरोना की संभावना बढ़ने की भी प्रबल हो गई है, लेकिन इस पर कंट्रोल भी बहुत जल्दी से हो सकेगा। अब वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी जो बीते समय हम लोगों ने देखी। 27 सितंबर के बाद बुध भी वक्री होंगे, गुरु शनि तो वक्री हैं ही, राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। इस तरह से 5 वक्री ग्रहों का प्रभाव बड़े प्रभाव उत्पन्न करेगा। इतने ग्रहों का वक्रत्व बड़ी घटनाओं को अंजाम देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 27 सितंबर के बाद 18 अक्टूबर तक का जो कालखंड है, इसमें सभी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि भयभीत होने की या डरने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि भारत के लिहाज से आने वाला वक्त भविष्य के समृद्धशाली भारत की नींव को रखने वाला होगा। कृषि में अच्छा वक्त दिखलाई पड़ता है, उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिहाज से भारत एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है, आयुध उपकरण स्पेस साइंस की बात करें बहुत प्रगति होगी, जीडीपी बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो इन सब बातों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, कृषि के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त है। सतर्क रहने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि छुपी हुई जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके प्रभाव में भी वृद्धि होगी और उस प्रभाव से हमें सावधान रहना है। हालांकि ये शक्तियां बहुत जल्द ही दबा दी जाएंगी, लेकिन सावधान तो रहना ही है ना। भारत में धर्म कर्म दर्शन पूजा पाठ अध्यात्म में चमत्कारिक और ज़बरदस्त रुझान देखने को मिलेगा, रिसर्च फील्ड में कोई बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी भी है धर्म कर्म अध्यात्म दर्शन में रुचि रखना, क्यों? क्योंकि इससे ही भारत का प्रभाव क्षेत्र और भी ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सियाराम, नमस्कार।